हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के दिन शिव जी ने माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें जीवन संगनी बनाने का वरदान दिया था। इसलिए इस दिन अभावित लड़कियाँ जल्द शादी होने के लिए इस कथा का पाठ करती हैं। ऐसा करने से जल्द विवाह होता है, सुहागिन महिलाओं का वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। तो आइए हरियाली तीज व्रत कथा शुरू करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने कम उम्र में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कामना कर ली थी। इसके बाद जब वह विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर देखने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वत राज हिमालय के पास गए और उनकी बात को सुनकर योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी श्री हरिदमाद के रूप में पसंद आई और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन इस बात को सुनकर माता पार्वती चिंतित हुई, क्योंकि उन्हें पति के रूप में शिव जी को पाना था। इसी वजह से माता पार्वती तपस्या करने के लिए जंगल में चली गईं। वहाँ पर उन्होंने तपस्या के द्वारा महादेव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणामस्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से हर साल सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज के व्रत के दिन इस छोटी सी कथा का पाठ अवश्य करें। जैसा कि आपको पता है, जब भी हम कोई व्रत कथा पढ़ते हैं तो गणेश जी की कथा के बिना हमारी व्रत कथा अधूरी होती है। तो आइए गणेश जी की एक छोटी सी व्रत कथा शुरू करते हैं। किसी भी पूजा या व्रत कथा के दौरान गणेश जी की कथा सुनना आवश्यक होता है। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों की कठिनाई को दूर करती हैं और मन वांछित फल प्रदान करती हैं। आइए गणेश जी की कथा हम शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने को सोचा, लेकिन वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को झूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के लाओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वो अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनगड़ कर चली गई। वहाँ आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियाँ बनाने लगी। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था जहाँ चिता जला रही थी। बहू ने उसकी आँच में अपनी बाटियाँ सेकी। उसकी बाटियाँ सूखी थीं और वह आसपास में श्री गणेश जी के मंदिर चली गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की थोन पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपनी नाक में उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्होंने मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषियों को बुलाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान श्री गणेश जी को नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी भी नहीं माने और ना ही उंगली चढ़ाए रखे रहे। अंत में विधवा की बहू बोली, अगर आप सब आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली को हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा पर सब हंसने लगे। बोले कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वो कैसे गणेश को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब लोगों को मौका मिला है तो इसको भी मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दिया जाए।
सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो चुका है तो पर्दा बांधने से क्या हो जाएगा। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया, वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी थोन से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने नाक पर उंगली चढ़ा ली, अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोंगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की ये चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में मुझे मोंगरी न मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वासी खुश हो गए और बहू का जयकारा लगाने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगती हैं कि वह भी बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो इस तरीके से गणेश जी की कथा समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। राधे राधे।